सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और आज है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, और आज का राइड का प्लान किया था हम लोगों ने। तो अभी तो सुबह के 6 बज रहे हैं, तो सुबह ही का राइड है, तो चलते हैं मीटअप पॉइंट पे, देखते हैं कितने लोग आए हैं। वैसे तो लिस्ट बना था 60 से ज़्यादा बाइक्स का, तो अगर आधे लोग भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा होने वाला है वो। चलो आगे मीटअप पॉइंट है, वहाँ देखते हैं जाकर। वैसे तो मेरे साथ अभी 2 बाइक्स बस जा रहे हैं, क्योंकि मतलब घर के पास ही से निकले हम लोग, तो साथ में जा रहे हैं। फिर देखते हैं वहाँ कितने लोग पहुँचे हुए हैं। ये रहा तो मीटअप पॉइंट, और अभी तो वैसे ज़्यादा लोग नहीं आए हैं। चलो बाइक लगाते हैं, उसके बाद बाकी लोग का वेट करते हैं। तो अभी वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, जिस कारण मैं जा रहा हूँ यहाँ से कृष्णा को लेने पहले, क्योंकि वहाँ रुकने से अच्छा मैं पहले जाके ले आता हूँ, तब तक और बाकी लोग भी आ जाएंगे। सो ये यहाँ पर सारे बाइक का लाइनअप हो चुका है। और यहाँ पर फिलहाल अभी तो 32-33 बाइक्स ही हो पाए हैं, और आगे कुछ और 5-6 बाइक ज्वाइन करने वाली है, तो मतलब वही 35 के आसपास बाइक्स होने वाली है आज, जो कि ऐसे भी बहुत बड़ा नंबर है 35 बाइक्स का। तो चलो यहाँ से राइड स्टार्ट करते हैं, और आगे देखते जाना आप लोगों को कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस राइड पर, क्योंकि इतने ज़्यादा बाइक्स है तो कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा ही। और ये यहाँ पर से सारे बाइक का लाइनअप देख सकते हो। और यहाँ पर जितने ज़्यादा बाइक्स उतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो आप लोग भी अगर कभी भी ज़्यादा मतलब लोगों के साथ अकेले भी राइड कर दो, तो पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ राइड करना, और जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा सेफली राइड करना। वैसे तो सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा मतलब रोड पूरा खाली है, जिस कारण उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला हम लोग को। अगर यही हम लोग थोड़े टाइम बाद आते तो रोड अगर भीड़ हो जाता फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों इतने सारे बाइक्स के साथ लोगों को देखना पड़ता। और ये एक और स्टॉप ले लिया हम लोगों ने, और ये लाइनअप चेक करो। और जैसा कि लिस्ट बना था 60+ बाइक्स का, अगर उतने लोग आते तब तो फिर और क्या ही सीन होता यहाँ पे। चलो इतने भी काफ़ी हैं, क्योंकि ज़्यादा में और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकता था। और यहाँ पास एक बहुत मस्त वाला रील्स रेडी हो रहा है, जो कि देखने को मिलेगा मेरे इंस्टा आईडी पे, जाके चेक कर लेना। और सामने है BS4 और अपनी है BS6, तो देखते हैं BS4 और BS6 में कौन आगे निकलता है। और मैं आगे निकल भी चुका हूँ यहाँ पे। अब आगे रोड है पूरा खाली, तो फिर से एक बार चेक करते हैं टॉप स्पीड कितना जाने वाला है हम लोगों का। फिर से 148 ही गया है। और यहाँ पर स्कॉर्पियो से वीडियो बना रहे हैं फ़ोन में।
और सबसे आगे चल रहे हैं मेरी NS, उसके बाद NS20BS4 और एक NS160 जो कि हम लोग के साथ ही साथ चले जा रहे हैं 200 के, मतलब उसका काफ़ी ज़्यादा टॉप स्पीड निकाल रहे हैं अपना। लेकिन जब NS20 अपना टॉप स्पीड हिट करता है तो वो पीछे हो जाता है। और बाकी के सारे बाइक्स बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। और हम लोग कुटाघाट एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पास का जो रोड देख कर काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पास ग्रीनरी है पूरा। और ये ऑफ रोडिंग भी मिल गया यहाँ आते ही, मतलब क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ऑफ रोड एरिया पे ही गए जा रहे हैं। इससे आगे एक अच्छे से, मतलब जहाँ पर हम लोग बैठ के या तो फिर वीडियो बना सके, ऐसे जगह की तलाश पे। गाड़ी पे तो पहले ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन था, और ऐसे ऑफ रोडिंग के बाद तो वाइब्रेशन और भी बढ़ जाएगा, जाकर उसको फिक्स कराना पड़ेगा। कर ले सब्सक्राइब, वीडियो देख के कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? अबे स्कूल पार्टी करके आ भाई, लो स्कूल छुट्टी हो गया। मामा आईटीआई वाला यार, ये दे आओ लगता है अभी स्कूल में तो चलो जाओ स्कूल। लोगों को पहले से पता था कि आप लोग आ रहे हो, बोले थे ना कि रोड। और इन बच्चों के पास फोन था 8th क्लास में। चलो चलो गाड़ी निकालो। पीछे कर, किधर से निकालो ना, पीछे कर, साइड से निकालो। चापी चापी, यहाँ से जाने वाले हम लोग चापी डैम, जो कि जिसका ब्लॉग आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, और उसमें काफ़ी ज़्यादा शायद तक लीन वीन देखने को मिल सकता है आप लोगों को। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।